हे हनुमान, तुम हो सबसे बेमिसाल। तुमसे आंख मिलाए किसकी है मजाल। सूरज को पल में निगला अंजनी के लाल। मूरत तेरी देखकर खुद ब खुद भाग जाए काल। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी हनुमान जी के चमत्कारों और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं और अपने भक्तों की अवश्य ही रक्षा करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि इस वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्या हुआ जब हनुमान जी के सच्चे भक्त ने आधी रात को पढ़ी हनुमान चालीसा, और फिर जो उसके साथ हुआ यह देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, यह पूर्ण सच्ची घटना है और यह घटना साझा की है अमन ने, जिन्होंने यह चमत्कार हमारे साथ साझा किया और बताया कि कैसे स्वयं हनुमान जी ने आकर उनकी जान बचाई। चलिए जानते हैं अमन की कहानी उनकी जुबानी। मेरा नाम अमन है, मैं यूरोप में रहता हूँ। ये बात कुछ समय पहले की ही है। तब मैं चंडीगढ़ में रहता था और मैं हर सुबह, मेरा एक रूटीन था कि मैं नहा धोकर और अच्छे कपड़े पहनकर सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता था। उसके बाद ही मैं चाय इत्यादि लेता था। हालांकि मैं शिव भक्त भी हूँ, मुझे पाठ के नियम नहीं मालूम थे और न आज तक किसी नियम का अनुसरण किया मैंने। फिर भी मेरा एक रूटीन सा बन गया था। चाहे मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं हाथ मुंह धोकर सबसे पहले पूजा पाठ कर लिया करता था। इसी के चलते कभी कभी मैं अपने ऑफिस भी आधे घंटे लेट पहुँच पाता था। श्री हनुमान जी की कृपा से आज तक किसी सीनियर ने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी दूसरी जॉब के दौरान मेरे बॉस ने मुझे थोड़ा आराम दिलाने के लिए अपने बेटे के साथ टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में रोहतक हरियाणा भेज दिया। हम सभी सर छोटू राम सराय में ठहरे थे, क्योंकि मेरा बॉस मुझ पर काफ़ी भरोसा भी करता था। उसके सारे ऑफिस की हर जिम्मेदारी मेरी ही होती थी, इसलिए वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। अब एक दिन मैंने टूर्नामेंट देखा। एक दिन मैं अपने बॉस के बेटे को उसके साथ ही छोड़कर दिल्ली आ गया, अपने ननिहाल से वापस आते थे। रात के करीब 12 बजे के आसपास मैं घर तक पहुँच गया। लेट होने की वजह से मुझे कुछ साधन नहीं मिल रहा था। बस स्टैंड के पास पहलवान ढाबा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब कोई साधन आपको नहीं मिल पाएगा, तुम सांत लगती गली से सीधा पैदल चले जाओ, 15-20 मिनट बस लगेंगे। अंधेरा काफ़ी था और मैं भी अनजान था। मैंने एक बैल को दूसरी गली से जाते देखा। मैं काफ़ी डरा हुआ था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। मैं अभी 150 मीटर अंदर गली में गया ही था कि अचानक मैंने एक आदमी को 20-30 मीटर दूरी से सामने वाले घर से निकलकर दूसरी तरफ वाले घर में बड़ी फुर्ती से जाते देखा, पर मुझे उसके चलते कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। गली में कोई शोर नहीं था, एकदम सन्नाटा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। उत्सुकता से आगे चलने के बाद मैंने उस तरफ ध्यान दिया जहाँ से वो आदमी निकला था। मैंने जो देखा वो देखते रह गया, मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए, क्योंकि जहाँ मैं था उस जगह से 15 मीटर पीछे और 15-20 मीटर आगे तक कोई दरवाजा या घर था ही नहीं। और वो आदमी को मैंने नॉर्मल पैदल चलते देखा था। जहाँ से वो निकला था वहाँ एक खाली प्लाट था जिसमें सफ़ेदी के पेड़ लगे थे। चारों तरफ 4-5 फुट ऊंची और 40-50 मीटर लंबी दीवार ही थी। एक पल में सारा नज़ारा बदल गया कि वो आदमी कैसे निकला था। चलते हुए अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक उस बैल के चिंगाड़ने की आवाज़ आई और सफ़ेदे के पेड़ों में से चमगादड़ों की चीखने की भी आवाज़ें सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीठ पर से रीढ़ की हड्डी के पास से पकड़ लिया है और मैं जैसे सीधा जगड़ गया हूँ। मैं घबरा गया था और मेरे पसीने छूटने लगे थे, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। 2 मिनट बाद अचानक से स्वयं मेरे मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ निकलना शुरू हो गया, जो कि डर के मारे मुझे सूझ नहीं रहा था। पता नहीं कैसे
अभी पाठ का मैंने पहला दोहा ही पढ़ा था कि मुझे धक्का लगा और मैं आजाद महसूस करने लगा। पर मैंने ही श्री हनुमान चालीसा का पूरा पाठ जो मुझे कंठस्थ याद था मैं पढ़ता रहा। जैसे ही मैं उस गली से निकलकर दूसरी गली में गया, मुझे सामने से स्कूटर पर दो लोग दिखे। मैंने उनको रोका और सराय का रास्ता पूछा। उन्होंने पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? फिर मैंने उन्हें सब विस्तार से बताया। वे बोले, नसीब वाले हो जो जिंदा बचकर आ गए। इस गली से हम रात के समय कभी नहीं निकलते। सराय पहुंचकर मुझे 101 बुखार चढ़ चुका था, पर मैं श्री हनुमान जी की कृपा से सही सलामत उस गली से बचकर निकल आया। यह श्री हनुमान जी की कृपा थी कि मेरे मुख से स्वयं ही हनुमान चालीसा निकली थी। विश्वास में और श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। कुछ ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ उस दिन। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। मैं आज भी हनुमान जी के मंदिर, जहाँ भी मुझे हनुमान जी के मंदिर दिखते हैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि उस दिन से हनुमान जी के प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। तो दोस्तों ये थी अमन की कहानी। अगर आपके पास भी कोई आपके जीवन से जुड़ी सच्ची घटना है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य ही संपर्क करें। और अगर आप भी हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं तो एक बार फिर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य जरूर लिखें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि अमन जैसी ही कई कहानियां आप तक हर रोज पहुंच सके। धन्यवाद।